उत्तराखंड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बन रहा है ग्रामीण महिलाओं के जीवन का आधार। प्रदेश में आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं आज आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं और साथ ही परिवार के लिए कंधे से कंधा मिलाते हुए नए आजीविका के अवसर प्राप्त कर रही हैं। उत्तराखंड सरकार ने कोरोना के इस मुश्किल समय में प्रतिबद्धता दिखाते हुए इन स्वयं सहायता समूहों को आर्थिक मदद प्रदान की है। सरकार ने राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़े स्वयं सहायता समूहों को कोविड 19 के तहत मदद के लिए लगभग 8,435 लाख स्वीकृत किए हैं, जिसमें 5,575 लाख की राशि अवमुक्त की जा चुकी है। प्रदेश में स्थित 30,365 स्वयं सहायता समूहों को बैंक ऋण ब्याज प्रतिपूर्ति हेतु लगभग 2,480 लाख की सहायता दी जा चुकी है और 159 क्लस्टर स्तरीय संगठनों को कोरोना काल की मुश्किलों से बचाते हुए 795 लाख की अनुदाय सहायता भी दी जा चुकी है। इसी कड़ी में 42,989 स्वयं सहायता समूहों को स्वावलंबी बनाने हेतु अब तक लगभग 5,158 की आर्थिक सहायता उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रदान की जा चुकी है। आज उत्तराखंड की हर महिला अबला से सबला होकर अपने और अपने परिवार का ख्याल रख रही है। उत्तराखंड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से मिल रहा ग्रामीण महिलाओं को सहारा, समर रहा जीवन, सच हो रहे सपने और दूर हो रही महिलाओं की मुश्किलें। नमस्कार, देवभूमि समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रक्षंदा खान। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया सैन्य धाम में भूमि पूजन, सीडीएस बिपिन सिंह रावत को दी श्रद्धांजलि। शहीदों की शहादत को किया नमन, कहा सैन्य धाम में आने वाले लेकर जाएंगे प्रेरणा। देहरादून के गुनियाल गांव में 2 साल के भीतर तैयार होगा सैन्य धाम। दूसरे विश्व युद्ध से लेकर अब तक के शहीद जवानों के लगाए जाएंगे पोस्टर, सैन्य उपकरण भी रखे जाएंगे धाम। प्रदेश में कई जगहों पर 2 सूत्रीय मांग को लेकर एनएचएम कर्मचारी कर रहे हड़ताल, स्वास्थ्य सेवाओं पर भी पड़ रहा असर, बिना इलाज के वापस लौट रहे मरीज। और 2022 की बिसात में आज देखिए खटीमा विधानसभा सीट की सियासी तस्वीर। पुष्कर सिंह धामी के सीएम बनने के बाद चुनावी मुकाबला हुआ रोमांचक। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से, और बात सबसे पहले सैन्य धाम की। उत्तराखंड में 5वें धाम के तौर पर देहरादून के गुनियाल गांव में आज सैन्य धाम की नींव रखी गई। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भूमि पूजन कर शिलान्यास किया। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सबसे पहले सीडीएस दिवंगत बिपिन रावत को नमन करते हुए श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट भी मौजूद रहे। करीब 50 बीघा भूमि पर सैन्य धाम को 63 करोड़ रुपए की लागत से सैन्य धाम बनाने का निर्णय लिया गया है। सैन्य धाम निर्माण के लिए प्रदेश के 1,734 शहीद सैनिकों के आंगन से भी कलश यात्रा में मिट्टी लाई गई है और इसे एकत्र कर देहरादून में लाया गया है। इसके साथ सैन्य धाम की जो यात्रा कलश यात्रा है वो भी समाप्त हुई है, जिसे सैन्य धाम बनाने वाली अमर ज्योति की नींव में रखा जाएगा। इसके अलावा सैन्य धाम में शहीद द्वार का नाम पूर्व सीडीएस जनरल बिपिन सिंह रावत के नाम पर रखा जाएगा। मुझे खुशी है कि 1734 जो शहीद परिवार हैं, उन परिवारों के आंगन की मिट्टी लाकर अभी उत्तराखंड में सैन्य धाम बनेगा। मेरे बहनों भाइयों, यह कोई छोटी बात नहीं है। शहीद कौन होता है? जिसका मन बड़ा होता है, जो निडर होता है और जिसके अंदर राष्ट्रीय स्वाभिमान की प्रबल भावना होती है, वही शहीद हो सकता है। बहनों भाइयों, तो देश की सुरक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर सकता है। सेना में भी जो भर्ती होते हैं उनके अंदर भी यह तड़पन होती है कि देश की सुरक्षा के लिए यदि आवश्यकता पड़ी तो हम अपना बलिदान देने में रंच मात्र भी हिचकेंगे नहीं। इस भाव मन में सजो कर तब वह सेवा में भर्ती होंगे। और यह छोटे मन के लोग यह काम नहीं कर सकते, बड़े मन के लोग ही यह काम कर सकते।
और जैसा मैंने कहा कि जिसके अंदर राष्ट्रीय स्वाभिमान की प्रबल भावना होगी वही यह काम कर सकता है। वहीं सैन्य धाम की भूमि पूजन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने CDS दिवंगत बिपिन रावत को श्रद्धांजलि दी और सभी शहीदों की शहादत को भी नमन किया। CM ने याद करते हुए कहा कि देश के लिए प्राण न्योछावर करने वाले वीर बहादुर शहीदों की शहादत को कभी भुलाया नहीं जा सकता। इसके साथ ही CM ने कहा कि उत्तराखंड में बनने जा रहा सैन्य धाम हमेशा शहीदों की याद को स्मरण कराएगा। आज के इस अवसर पर मैं भारत माता के वीर सपूत स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत जी को अपनी तथा देवभूमि उत्तराखंड की तरफ से श्रद्धांजलि देता हूं। वह देश के लिए अपनी अंतिम सांस तक समर्पित रहे और सच बताऊं तो अभी भी ये विश्वास नहीं होता है कि जनरल रावत अब हमारे बीच में नहीं है। कितनी उनकी सारी योजनाएं थी, लगातार उत्तराखंड के बारे में वो चिंता करते थे और मैं आज इतने सारे लोग जब यहां पर एकत्र हैं और जनरल रावत हमारे बीच में नहीं है, मुझे उनके साथ अपने पूज्य पिताजी की जो रेजिमेंट है महारेजिमेंट सागर में, उनके साथ वहां के बार मेमोरियल में जाना था और उनके द्वारा ये कार्यक्रम बनाया गया था और इसी माह वहां जाना था, लेकिन क्या पता कि नियति को कुछ और मंजूर था, आज हमारे बीच में नहीं है। उनके बहुत सारे सपने थे उत्तराखंड राज्य को लेकर, उनका गहरा लगाव था सैनिक परिवारों के लिए, सैनिकों से यहां के पलायन को लेकर, यहां के रोजगार को लेकर। मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूं कि उनको श्रद्धांजलि देते हुए कि हमारी सरकार उनके सारे सपनों के अनुरूप उन सभी चीजों को आगे बढ़ाने का काम करेगी। बात कर लेते हैं वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मुख्यमंत्री के सुशासन सम्मेलन में उत्तराखंड का होम स्टे कॉन्सेप्ट हिट साबित हुआ है। सम्मेलन में कई प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों ने होम स्टे योजना को सराहते हुए इसमें दिलचस्पी भी दिखाई है। आपको बता दें कि धामी सरकार की ये वो योजना है जो पहाड़ी क्षेत्रों में स्वरोजगार के मौके देने के साथ ही पलायन रोकने के मकसद से संचालित की जा रही है। वहीं सम्मेलन में प्रेजेंटेशन के दौरान कई प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों ने होम स्टे योजना को अपने प्रदेश में भी लागू करने की बात कही। देहरादून में 2 दिवसीय आयोजित होने वाले बकरा और उत्तरा फिश ग्रैंड फेस्टिवल को लेकर पशुपालन सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने कहा है कि इस फेस्टिवल से किसानों की आय को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही पर्वतीय मीट बकरा और फिश की अलग अलग वैरायटी तैयार की जाएगी और फूड फेस्टिवल में बता दें कि फूड कॉम्पिटिशन का भी आयोजन किया जाएगा। इस दौरान आयोजित कार्यक्रम को लेकर उद्देश्य ये है कि पशुपालन को बढ़ावा मिल सके। अगर आप हमारे बकरा और उत्तरा फिश को लेते हैं तो सीधे सीधे आप पर्वतीय क्षेत्रों में जहां पर जो है लोग बहुत कठिन परिस्थितियों में जी रहे हैं उनकी आजीविका के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों के माध्यम से सभी देहरादून के कंज्यूमर से अनुरोध करता हूँ कि प्रोग्राम में पार्टिसिपेट भी करें और हमारे जो दोनों ब्रांड्स हैं उसको उसकी वैल्यू बढ़ाने में, उसकी बिजनेस बढ़ाने में सहयोग करें। हरिद्वार में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारियों की हड़ताल जारी है। NHM कर्मचारियों की हड़ताल से स्वास्थ्य सेवाओं पर भी असर दिखने लगा है। डॉक्टर VK खन्ना ने बताया है कि स्वास्थ्य कर्मचारी जो हैं, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारी, वो अपनी 2 सूत्रीय मांग को लेकर हड़ताल कर रहे हैं। सारे NHM संगठन के साथी सब एकत्र हुए हैं। पिछले 7 तारीख से हम लोग निरंतर CMO ऑफिस में अपनी जायज मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम राज्य सरकार से पिछले 2 साल से वार्ता के क्रम में हैं, परंतु सरकार द्वारा हमारी बातों को सिर्फ इधर उधर बरगला कर हमें भ्रमित किया जा रहा है। सरकार द्वारा हमें बार बार समय दिया जाता है और हमें रोक दिया जाता है, परंतु इस बार हम पूरा पूर्ण रूप से, हमारे संगठन ने आह्वान किया है कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी तब तक ये मातृशक्ति और समस्त NHM कर्मी अपने
कार्य पर नहीं जाएंगे। रुड़की के तहसील परिसर में भाजपा नेता ने आत्मदाह करने का प्रयास किया है। आत्मदाह करने का कारण भाजपा नेता जगजीवन राम ने आरोप लगाते हुए बताया कि चकबंदी के अधिकारी खनन माफिया से मिले हुए हैं। खनन माफियाओं के खिलाफ जानकारी देने के बाद भी कोई कार्यवाही न होने से नाराज भाजपा नेता जगजीवन ने आत्मदाह करने का प्रयास किया। बता दें, भाजपा नेता को समझा बुझा कर आत्मदाह करने से रोका गया। जो प्रक्रिया को लेकर इनके इश्यूज थे उसके रिस्पेक्ट में ये कुछ साल पहले, 6-7 साल पहले भी इन्होंने कुछ आवेदन किया कर होगा, उस पर कुछ कार्रवाई हुई थी, लेकिन उससे सेटिस्फाइड नहीं थे। इनका ये कहना था कि जो ज़मीन है वो चक था, जब न्यायालय में चला तो वो चक इन्होंने हाईवे की तरफ दे दिया किसी और का, और उसके खिलाफ जाँच होनी चाहिए। जाँच ऑलरेडी SDM लेवल पर बैठा दी गई थी। इन्होंने अभी दिसंबर में पहली हफ्ते में इन्होंने एक आवेदन पत्र दिया था, उसके रिस्पेक्ट में SDM लेवल पर जाँच बैठा दी गई थी। उसके रिस्पेक्ट में SDM साहब ने इनसे 2-3 बार बात भी करी थी, तो ये सेटिस्फाइड फील कर रहे थे। लेकिन फिर भी क्योंकि समय ज़्यादा हो चुका है और यदि इनको लग रहा है न्याय नहीं मिलेगा तो उसकी वजह से फ्रस्ट्रेट हो गए थोड़ा। पीड़ित किसान है उनको न्याय दिलाने के लिए मुझे 8 वर्षों से संघर्ष कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे जांच सही नहीं हो पाती है। नैनीताल में कुमाऊं विश्वविद्यालय की कार्य परिषद की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता कुलपति प्रोफेसर NK जोशी ने की और बैठक में विश्वविद्यालय की कई समस्याओं पर भी चर्चा की गई। साथ ही विभिन्न विषयों के डॉक्टरेट की परीक्षा करने वाले छात्रों की पढ़ाई को लेकर उनकी परीक्षा तिथि को जारी करने के लिए विचार विमर्श भी हुआ। बैठक में सभी कार्य परिषद के सदस्य मौजूद रहे। और बुलेटिन में बढ़ेंगे आगे, बात करते हैं अब 2022 के बिसात की। आज 2022 के बिसात में हम आपको खटीमा विधानसभा सीट के सियासी गणित को बताएंगे और समझाएंगे भी कि हॉट विधानसभा सीट होने के चलते इस सीट में चुनावी मुकाबले में सभी की निगाहें रहेगी, क्योंकि राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस सीट से विधायक है और ऐसे में BJP के लिए इस सीट पर जीत नाक का सवाल बनी है। तो वहीं कांग्रेस के लिए भी राह आसान नहीं होगी। एक रिपोर्ट। उत्तराखंड की खटीमा विधानसभा सीट उधम सिंह नगर जिले के अंतर्गत आती है। विधानसभा चुनाव 2022 के आधिकारिक ऐलान का इंतजार सभी को है, लेकिन इससे पहले ही प्रदेश में चुनाव को लेकर सियासी पार्टियां तैयारियों में जी जान से जुटी हैं और नेता चुनावी मोड पर नजर आ रहे हैं। खटीमा विधानसभा सीट की बात करें तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस सीट से विधायक हैं और उनके CM बनने के बाद से खटीमा सीट हॉट सीट बनी हुई है। 2017 में खटीमा सीट BJP की झोली में गिरी थी। 2022 में कौन इस सीट पर अपना कब्जा जमाएगा ये अभी तय नहीं है, लेकिन सियासी दौरों से माहौल जरूर गर्मा गया है। पुष्कर सिंह धामी के मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने के बाद से खटीमा विधानसभा सीट राजनीति के केंद्र में आ गई है। सूबाई सियासत में बेहद दिलचस्प हो गई इस सीट पर 2022 की बिसात के लिए संभावित चुनावों से पहले ही BJP कांग्रेस के अलावा चुनावी दंगल में पहली बार उतरी आम आदमी पार्टी के बड़े नेता भी इस सीट से ताल्लुक रखते हैं। CM धामी की सीट होने के चलते ये भी लाजमी है कि सभी सियासी दल BJP को घेरने के लिए रणनीति तैयार करने में लगे हैं। वहीं खटीमा सीट तराई में होने के नाते आसपास की विधानसभा सीटों पर भी इसका असर देखने को मिल सकता है। विधानसभा चुनाव की बात करें तो साल 2002 में खटीमा विधानसभा सीट से कांग्रेस से गोपाल सिंह रावत ने बसपा के दान सिंह भंडारी को यहां से हराया था। 2007 के विधानसभा चुनाव की बारी आई तो एक बार फिर कांग्रेस पार्टी से गोपाल सिंह चुनाव लड़े और उन्होंने ये चुनाव 36,000 से ज्यादा वोटों के साथ जीता। 2012 में खटीमा विधानसभा सीट पर BJP से पुष्कर सिंह धामी चुनाव लड़े और उन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार देवेंद्र चंद को इस बार मात देकर जीत का सहरा अपने नाम किया। 2017 के विधानसभा चुनाव आते आते राजनीतिक हालातों में भी तेजी से बदलाव होने लगा। इस बार खटीमा सीट से एक बार फिर BJP ने पुष्कर सिंह धामी पर दाव खेला और BJP का दाव ऐसा काम आया कि कांग्रेस के उम्मीदवार भुवन चंद कापड़ी धामी के हाथों मात खा गए और खटीमा सीट BJP की झोली में आ गिरी। बदलते वक्त के साथ उत्तराखंड की राजनीति में भी बहुत कुछ बदला है और अब बारी 2022 के बिसात की है। 2022 के चुनाव के बाद सत्ता पर कौन काबिज होगा ये तो भविष्य की बात है, लेकिन इस बार का विधानसभा चुनाव खटीमा सीट पर काफी रोचक रहने वाला होगा। ये चुनाव कई सियासी दलों का आने वाला भविष्य भी तय करेगा। TimeTV के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। BJP विधायक हरबंस कपूर के जाने के बाद खाली हुई कैंट विधानसभा सीट से
अगला दावेदार कौन होगा, इसको लेकर हवाओं में सवाल तैरने शुरू हो गए हैं। 32 साल से इस सीट पर कांग्रेस की जीत का अधूरा सपना क्या इस बार पूरा होगा, या फिर बीजेपी हरबंस कपूर के परिवार में से किसी ऐसे सदस्य को टिकट देगी जो यहां से चुनाव लड़ेगा। हालांकि बीजेपी ने अभी इसको लेकर अपने पत्ते नहीं खोले। देखिए ये रिपोर्ट। कैंट विधानसभा उत्तराखंड की ऐसी सीट है जहां 32 साल से कांग्रेस जीत का सपना देख रही है, तो इतने सालों तक इस सीट पर बीजेपी का ही कब्जा रहा है। इस बार 2022 के बिसात के लिए बीजेपी इस बार भी हरबंस कपूर पर दाव खेलने की तैयारी में थी, लेकिन उनके निधन के बाद खाली हुई कैंट विधानसभा सीट पर अगला दावेदार कौन होगा, इसको लेकर सियासी हलकों में सवाल तैरने शुरू हो गए हैं। हरबंस कपूर के परिवार के नजरिए से देखा जाए तो उनकी पत्नी सविता कपूर को इस सीट पर मजबूत दावेदार माना जा सकता है। वो इसलिए क्योंकि राजनीतिक जानकारों के मुताबिक उनकी पत्नी की दावेदारी की दो खास वजह हैं। एक वजह तो ये कि पति के साथ लगातार वो सामाजिक संगठनों कार्यक्रमों का हिस्सा बनी रही, और दूसरा ये कि संघ में भी उनकी अच्छी खासी पकड़ है। उनके परिवार से दूसरा विकल्प है हरबंस कपूर के बेटे अमित कपूर। परिवार के दोनों सदस्यों के लिए सकारात्मक बिंदु ये है कि विधायक हरबंस कपूर के निधन के बाद लोगों की सिंपैथी वोट भी मिल सकता है। 2002 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो हरबंस कपूर को उस चुनाव में 13,977 वोट मिले, और जो उनके प्रतिद्वंदी संजय शर्मा थे उनको 11,053 वोट मिले, और जीत का अंतर रहा 2,924। 2007 में हरबंस कपूर कैंट विधानसभा सीट से फिर चुनाव लड़े और 23,856 वोट हरबंस कपूर को मिले, जबकि लालचंद को 16,823 वोट मिले और जीत का अंतर करीब 7,033 वोट का रहा। 2012 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो एक बार फिर बीजेपी की तरफ से हरबंस कपूर कैंट विधानसभा से चुनाव लड़े और इस बार 29,719 वोटों से जीत हासिल की। देवेंद्र सिंह राठी जो उनके प्रतिद्वंदी रहे उनको मिले 24,624 वोट और जीत का अंतर रहा करीब 5,095 वोटों का। 2017 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो हरबंस कपूर को 41,142 वोट मिले थे, इसके साथ उन्होंने जीत हासिल की थी, और कांग्रेस के प्रतिद्वंदी सूर्यकांत धस्माना को 24,472 वोट मिले थे, जीत का अंतर रहा करीब 16,670 वोटों का। कैंट विधानसभा सीट पर हरबंस कपूर का रिकॉर्ड साल दर साल बढ़ता ही गया, और हरबंस कपूर बीजेपी के एक ऐसे दावेदार बन चुके थे जो हर बार पार्टी को जीत दिलाकर कब्जा कैंट विधानसभा क्षेत्र पर जमा रहे थे। लेकिन अब आने वाले वक्त के साथ तस्वीर साफ होने के बाद ही पता चलेगा कि कपूर विधायक के परिवार को ही विरासत के तौर पर इस सीट से दावेदारी का मौका मिलेगा, या फिर किसी और को बीजेपी चुनावी मैदान में उतारेगी। टाइम टीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, देहरादून। 2022 के बिसात में आज हम आपको सहसपुर विधानसभा सीट के सियासी समीकरणों को दिखाएंगे और बताएंगे कि यहां पर क्या कुछ अब तक देखने को मिला है, विधानसभा चुनाव में किस पार्टी का यहां पर परचम रह रहा है, और किसने अब तक रिकॉर्ड को कायम किया है और किसने यहां पर बात खाई है। देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। उत्तराखंड की सहसपुर विधानसभा सीट देहरादून में पड़ती है। ये सीट टिहरी गढ़वाल संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आती है। 2017 के विधानसभा चुनाव में इस सीट से बीजेपी के उम्मीदवार सहदेव सिंह पुंडीर विधायक चुने गए। सहसपुर विधानसभा सीट पर पहली बार 2002 में हुए चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी साधुराम विधायक चुने गए। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार प्रदीप कुमार को हराया था। वहीं 2007 में हुए विधानसभा चुनाव की तस्वीर को देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार राजकुमार विधायक चुने गए। उन्होंने कांग्रेस विधायक साधुराम को हराया। अब बारी आती है 2012 के विधानसभा चुनाव की। इस चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार सहदेव पुंडीर दोबारा विधायक चुने गए। उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार आयेंद्र शर्मा को हराया। इस चुनाव में भाजपा के सहदेव सिंह पुंडीर को 26,064 वोट मिले, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार आयेंद्र शर्मा को 20,574 वोट मिले। वहीं तीसरे नंबर पर निर्दलीय उम्मीदवार गुलजार अहमद रहे, जिन्हें 9,699 वोट मिले। 2012 में हुए विधानसभा चुनाव में वोट प्रतिशत को देखा जाए तो बीजेपी का वोट शेयर 31.28% रहा, कांग्रेस का वोट शेयर 24.69% और निर्दलीय उम्मीदवार का वोट शेयर 11.64% रहा। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के टिकट पर एक बार फिर सहदेव सिंह पुंडीर विधायक चुने गए।
इस बार उन्होंने कांग्रेस पार्टी के किशोर उपाध्याय को हराया। बीजेपी के सहदेव सिंह को 44,055 वोट मिले, जबकि कांग्रेस के किशोर उपाध्याय को 25,192 वोट मिले। तीसरे नंबर पर निर्दलीय उम्मीदवार आयेंद्र शर्मा रहे, जिन्हें 21,888 वोट मिले। 2017 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर बीजेपी का वोट शेयर 40.75% रहा, कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर 23.3% और निर्दलीय उम्मीदवार का वोट शेयर 20.25% रहा। सहसपुर विधानसभा सीट के सियासी समीकरणों का विश्लेषण करने के बाद जो सियासी तस्वीर उभर कर निकली है, उसमें भाजपा मजबूत स्थिति में नजर आ रही है, तो निर्दलियों का दबदबा भी इस सीट पर रहा है, जबकि कांग्रेस का प्रदर्शन इस सीट पर ठीक ठाक ही रहा। 2022 की बिसात में सहसपुर विधानसभा सीट से सियासी पार्टियों के उम्मीदवारों का ऐलान बाकी है, लेकिन सीट किसकी झोली में आएगी, इसके लिए इंतजार करना होगा। टाइम टीवी के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट, देहरादून। उत्तराखंड में 2022 के चुनाव में जनाधार जुटाने के लिए राजनीतिक दल हर हथकंडे अपना रहे हैं, फिर चाहे वो घर घर जाकर जनता का समर्थन जुटाना हो या फिर बाकायदा सियासी दल पोस्टर और पॉलिटिक्स का भी गेम खेल रहे हैं। पोस्टर पॉलिटिक्स को सहारा लेने के साथ ही अभी ये कार्यक्रम शुरू हो चुका है कि बैनर पोस्टर के जरिए उत्तराखंड में राजनीतिक दल हर मुद्दे को उठाकर वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रहे हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो सूबे में पोस्टर पॉलिटिक्स का दौर अपने शवाब पर है। एक रिपोर्ट। प्रदेश की जनता अब तक 4 विधानसभा चुनाव देख चुकी है और 5वें विधानसभा चुनाव की दहलीज पर उत्तराखंड राज्य खड़ा है। 1 या 2 महीने के बाद प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होनी है, लिहाजा 2022 की बिसात में जीत हासिल करने के लिए सियासी दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर चल ही रहा है। इसके साथ अब पोस्टर पॉलिटिक्स भी अपने चरम पर है। सियासी पार्टियों के बड़े नेताओं की रैली और जनसभा के लिए राजनीतिक दल पोस्टर पॉलिटिक्स पर खुलकर खर्चा कर रहे हैं। राज्य के चुनावी इतिहास को उठाकर देखा जाए तो हमेशा ही मुकाबला राष्ट्रीय दलों के बीच ही देखा गया है। हालांकि तीसरे विकल्प के तौर पर बसपा, सपा, यूकेडी समेत कई दल चुनावी मैदान में उतरते तो आए हैं, लेकिन सत्ता बनाने का मौका अभी तक बीजेपी कांग्रेस को ही मिला है। मगर 2022 की बिसात में चुनावी समीकरण पूरी तरह से बदल चुके हैं। सियासी जमीन की तलाश में पहली बार आम आदमी पार्टी सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ बीजेपी कांग्रेस को चुनौती दे चुकी है। अब सियासी दलों के सामने चुनावी लड़ाई को जीतना किसी जंग से कम नहीं रहा। इस जंग में राजनीतिक दलों को पोस्टर पॉलिटिक्स का खूब साथ मिल रहा है। सियासी दलों के बड़े बड़े बैनर और पोस्टर पर सियासी दल अपने वादे और उपलब्धियों को चस्पा कर शहर भर में इसका प्रचार कर रहे हैं, ताकि लोगों तक उनके वादे और दावों की छाप छोड़ी जाए। राज्य में वर्तमान में बीजेपी की सरकार है, लिहाजा शहर भर में बीजेपी ने अपनी उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने के लिए पोस्टर पॉलिटिक्स का सहारा लिया है। बीजेपी के इन पोस्टर्स में धामी सरकार की उपलब्धियों के बारे में और योजनाओं के बारे में जिक्र किया गया है। यही नहीं, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी की रैली के लिए शहर भर को बीजेपी ने पोस्टर से पाट दिया था। ऐसा हाल सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि पहली बार चुनाव लड़ रही आम आदमी पार्टी का भी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की फ्री पॉलिटिक्स के पोस्टर उनके आने पर शहर भर में चस्पा करा दिए गए थे, ताकि पार्टी वोटर्स को अपनी तरफ खींच सके। हाल कांग्रेस के भी जुदा नहीं है, बस फर्क सिर्फ इतना है कि बड़े बड़े बैनर पोस्टर ही ना सही, लेकिन संकल्प पत्र पर सरकार की नाकामियों का बखान कर हर गांव अभियान के तहत जनता के बीच जाने की कोशिशें खूब हो रही हैं। ऐसे में सवाल ये है कि सियासी दलों के फेंके गए इस पैतरे के फेर में जनता फंसेगी या राजनीतिक दलों को ये सियासी सौदा महंगा पड़ेगा, ये देखना बाकी है। टाइम टीवी के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। नमस्कार। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया सैन्य धाम में भूमि पूजन, सीडीएस विपिन सिंह रावत को दी श्रद्धांजलि, शहीदों की शहादत को किया नमन, कहा सैन्य धाम में आने वाले लेकर जाएंगे प्रेरणा। देहरादून के गुनियाल गांव में 2 साल के भीतर तैयार होगा सैन्य धाम, दूसरे विश्व युद्ध से लेकर अब तक के शहीद जवानों के लगाए जाएंगे पोस्टर, सैन्य उपकरण भी रखे जाएंगे धाम। प्रदेश में कई जगहों पर 2 सूत्रीय मांग को लेकर एनएचएम कर्मचारी कर रहे हड़ताल, स्वास्थ्य सेवाओं पर भी पड़ रहा असर, बिना इलाज के वापस लौट रहे मरीज।
और 2022 की बिसात में आज देखिए खटीमा विधानसभा सीट की सियासी तस्वीर। पुष्कर सिंह धामी के सीएम बनने के बाद चुनावी मुकाबला हुआ रोमांचक। संकल्प से सिद्धि के ध्येय को प्रदर्शित करता ये भव्य मंच है विकास का, उम्मीदों के नए द्वार का। 18,000 करोड़ की विकास योजनाओं के शिलान्यास और लोकार्पण का माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ऐतिहासिक लम्हे का साक्षी बना उत्तराखंड। हमारे लिए उत्तराखंड तप और तपस्या का मार्ग है, विकास का ये डबल इंजन उत्तराखंड का तेज विकास करता रहेगा। दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर न सिर्फ लोगों का सफर बेहद आसान और सुरक्षित करेगा, बल्कि इस महायोजना के साकार होने से उत्तराखंड की आर्थिक गतिविधियों को भी प्रोत्साहन मिलेगा। दिल्ली से देहरादून का सफर मात्र 2.5 घंटे का होने से उत्तराखंड टूरिज्म को अत्यंत लाभ होगा। बच्चों के लिए सड़कें हों सुरक्षित, इसके लिए स्मार्ट सिटी के अंतर्गत चाइल्ड फ्रेंडली सिटी प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधा देने के लिए हरिद्वार में आधुनिक मेडिकल कॉलेज की आधारशिला ने राज्य में रोजगार और खुशहाली की उम्मीदों को नई उड़ान दी है। लैंडस्लाइड की चुनौती का स्थायी समाधान आज पर्यटकों की सुगम सुरक्षित यात्रा के लिए ऑल वेदर रोड परियोजना में सड़कों का निर्माण उत्तराखंड के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। हमारा लक्ष्य है माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में 2025 तक जब हम अपनी स्थापना के रजत जयंती वर्ष को मना रहे होंगे तब तक उत्तराखंड देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बन जाए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व और युवा सरकार के संकल्प से विकास के पथ पर निरंतर अग्रसर है देवभूमि उत्तराखंड। समृद्धि और तरक्की के नित नए आयाम स्थापित कर रहे पहाड़ी राज्य में आज विकास की गंगा बह रही है और निखर रहा है उत्तराखंड का स्वरूप। आत्मनिर्भर हो रहा भारत, आत्मनिर्भर बन रहा उत्तराखंड।